एरिया में गरीबी महसूस है, हमारा इलाका बहुत और बेरोजगार हम लोग बैठे हैं, और उम्मीद हम अगला एमपी से यही करते हैं कि वो हमारी बेरोजगारी को दूर करे। हेलो दोस्तों, राजनीतिक परिचर्चा कार्यक्रम किशनगंज का अगला सांसद कौन, मैं आप सभी का स्वागत है। और आज हम किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधमन प्रखंड के कुटीमारी हाट में हैं, और आज हम यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां का मूड भापने के लिए आए हैं कि लोग यहां पर क्या चाहते हैं, कौन होगा किशनगंज का अगला एमपी, दिल्ली की सत्ता पर नजर होगी या यहां के लिए चेहरा फिक्टर होगा। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या मुद्दा को लेकर के यहाँ पर जो है लोग अपना अगला एमपी। चलिए हम हमारे खास मेहमान से बात करें। बोलिए अच्छा, हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत आती है। हाँ। बेरोजगारी यानी बैठा बैठा हुआ रहता है, हम लोगों को यहाँ जो है कोई, हाँ, गरीब आदमी जो है मजदूरी नहीं कर पाते, जो मजदूरी मिले या फैक्ट्री बनना चाहिए। हाँ, हम जाते हैं दिल्ली में क्या करने के लिए। अच्छा, यहाँ के हमारा नहीं होना चाहिए, रोजगार का अवसर पैदा करे। हाँ, ऐसे बस हम लोग वहाँ खाना या धक्का खाते हैं। हाँ। और यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं, और वहाँ अपना वह दिल्ली में और कहीं में कर, जो भी मर्जी वो करता है। और यहाँ से सब हम बिहारी नहीं जाएंगे तो यूपी वाले मर जाएगा। तो अगला सांसद से क्या, सब टेक्निकल हमारे बिहारी के पास है, पर हमारा बिहार में कुछ नहीं। भाई नोटबंदी किया, नोटबंदी को नोट चेंज किया, लेकिन हम लोग सरकार को भी चेंज कर देंगे हमेशा के लिए, वो आउट हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, वो अपना फिर अपना चाका चीटी ले और फिर निकल जाए। काम बढ़िया करे। अब की बार जो हमारे यहाँ पे जो सांसद जो हो, विकास करने वाला तो हो ही, वो बातों में बहलाने वाला ना हो, लखनऊ उर्दू या लंबा लंबा भाषण दे करके, वो वाले नेता नहीं चाहिए हम लोग, विकास करें। उम्मीद आप जो कह रहे हैं कि क्या चीज चाहिए, उम्मीद तो विकास करने वाला होगा तो उम्मीद कर लेंगे। बहुत तरह का ये है, जैसे किसान लोन है, बहुत तरह की बातें हैं। किशनगंज का अगला एमपी किस तरह का होना चाहिए, कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस ने काम क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है, काम विकास का जो होता है उतना, क्या विकास चाहिए, क्या नया क्षेत्र में क्या बाकी है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री बनने वाला नहीं, कुछ करना चाहिए, काम धंधा कुछ नहीं, पता नहीं किशनगंज। और यहाँ ना कोई रोड सही से बनते हैं, ना कुछ बनते हैं, और कारखाना फैक्ट्री का सामान जो है वो साल में दो बार तीन बार पैसे बढ़ते हैं, और हम लोग किसान का सामान जो है पैदा करते हैं कोई कीमत नहीं होते है, वो रेट घटा देते हैं, किसान और मर जाते हैं। कारखाना फैक्ट्री का हम लोग को कांग्रेस चाहिए वो हर क्रोध को लेकर चलते हैं, छोटा मोटा सबको एक बराबर समझते हैं। एक बार जाते हैं, हम लोग दिल्ली भी जाते हैं, साला यहाँ भी मोदी का पिटा रहा है, हटाओ बिहारी को, हटाओ बिहारी को, असल बिहारी को क्या हटाएंगे, इसी को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे। विकास होना चाहिए, कैसा विकास, रोड बिजली, रोड बिजली पुल पुलिया ये तो काम हो ही रहा है, और नया क्या चाहिए, एमपी किस तरह का होना चाहिए, अच्छा एमपी होना चाहिए, जो करने वाला काज करने वाला, कार्य करने करने वाला। आप बताइए, मौना असरुल्लाह कासमी साहब जो इंतकाल कर गए हैं, उनके नहीं रहने से लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कमी तो महसूस हो रहा है, किस तरह की कमी महसूस हो रही है। वो सर हमारे बीच नहीं रहे, अब वो दूसरा चेहरा आएगा, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हम लोग सोचे हुए हैं कि फिर कांग्रेस का मतलब सरकार बने, कांग्रेस आए, बोल कांग्रेस आए, चेहरा जो भी हो, लेकिन हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। हम लोग मुद्दा क्या होगा चुनाव के लिए, मुद्दा क्या होगा, किसान मेन तो किसान का मुद्दा है। हाँ, क्या मुद्दा है, जैसे खाद नहीं मिल रहा है, तो टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का कुछ साधन नहीं है, ये सब होना चाहिए। बिजली हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध भी है, लेकिन हम किसान जैसे आदमियों के लिए खेत में हमारे कोई बिजली उपलब्ध नहीं, कोई भी कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता आएंगे हम उनको चुन लेंगे, पार्टी को मुद्दा क्या है, मुद्दा चुनावी मुद्दा क्या है, एमपी तो कोई भी चुनेंगे, लेकिन काम क्या चाहते हैं, काम हमारे, हम किसान आदमी है, हमको किसान के लिए उपलब्ध चाहिए, हम कोई सर्विस होल्डर तो है नहीं, जो किसान के लिए इस तरह का काम, क्या मुद्दा है चुनाव के लिए। सबसे पहला तो
कृषि विभाग में बहुत बड़ा कमी है, बिजली का साधन नहीं है खेतों में। बिजली तो दे रही है ना, ये नया बताइए कुछ नया क्षेत्र में नया क्या चाहिए? नया में हम लोग के यहाँ पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का हम लोग बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। शुद्ध पेयजल की कमी है, पेयजल की कमी है, इस पर सुधार सुधार है। और जो है हम लोग आज 6-7 साल से हम लोग टैंक का पानी पी रहे हैं, मजबूरी है हम लोग के साथ, मजबूरी के वजह से हम लोग पैसा खर्च करके तब पानी पी रहे हैं। अब देखिए ये सब समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा कर्मठ उम्मीदवार हो, बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया किसना, खूबसूरत काम, काम होना चाहिए, काम करना, लोन माफ करा, मतलब किसान का जो लोन है वो माफ। आप अगला एमपी से ये उम्मीद करते हैं काम करने वाला हो, सबसे बढ़िया हो, हम लोग उसी को चुनेंगे। और दिल्ली में भी नया होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, जो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। 10,000-15,000 रुपया करके बिल बिजली का आता है, कितना लेता है, कितना देता है, कहाँ पहुँचता है, हम लोग कोई पता नहीं है। बिजली बिल देते हैं, फिर बिजली बिल आ जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा ही सांसद चाहते हैं जो रोजगार मुहैया कराए। जब अभी जो राहुल गांधी जो बार बार बोलते हैं ये बात कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, वैसा हम चाहते हैं करियर जो मतलब जो हमें रोजगार दे। बहुत सारे लोग बेकार हैं, उसको रोजगार मिले, गरीबों के पल लेकर के बेरोजगार है बैठे हुए हैं, उसको रोजगार मिले। किस तरह का सांसद हो जाए? सांसद बढ़िया होना चाहिए, कांग्रेस से होना चाहिए, जो कि हम उनका विकास का काम करे। अब जरूरी थोड़ा ना कि कांग्रेस से रहेगा तभी काम करेगा, तो नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। तो नहीं, कांग्रेस का ही हो चाहे पटना से लेकर दिल्ली तक, और हम लोग का मतलब दूसरा पार्टी यहाँ नहीं जाते हैं आप? नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस के अलावा। आप बताइए सर, हम लोग तो अभी कांग्रेस को जाते हैं। मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है? हम लोग का ये है कि छोटे छोटे दुकान हम लोग हाट पे कर रखे हैं, ग्रामीण बैंक से हम लोग लोन ले रखे हैं 20,000 रुपया। किसके लिए, किस चीज के लिए लोन? दुकान करने के लिए लोन ले रखे हैं, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, उसको भी माफ करना चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा कैंडिडेट हो कि वो माफ करा दे। ठंडा पानी मंदा है तो लोन ना है, मतलब हम लोग 200 खर्चा करते हैं तो 100 कमाते हैं। सांसद तस्लीमुद्दीन चाचा जैसा होना चाहिए, जो कि एकदम बिल्कुल लीडर, बेहतरीन लीडर थे वो। हम लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए। रोजगार की तो बहुत ही कमी है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर रोजगार इतना छोटा मोटा चौक चौराहा है, उतना हम लोग घुमा नहीं पाते हैं। तो चलो, हम लोग अपनी बार क्या महसूस कर रहे हैं उनके इंतकाल के बाद? बहुत कमी महसूस हो रही है, यहाँ लोग बेरोजगार हो, रोजगार का अवसर पैदा करें, इस तरह का एमपी आप चुनते हैं। अगला एमपी से यही उम्मीद है आप लोगों को? कांग्रेस की कमी जो हमारे मौलाना साहुल हक साहब इंतकाल होने के बाद जो कमी आया, उनका जो सपना था कि किशनगंज को केरला के जैसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले यहाँ पे, कॉलेज हाई स्कूल वगैरह, इस तरह यानी कि एजुकेशन के मामले में जो काम करते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे कि शिक्षा का स्तर को ऊंचा कर, शिक्षा का स्तर को ऊंचा कर। अच्छा, देखो शिक्षा का स्तर जब ऊंचा होगा तो गरीबी आपका अपने आप दूर हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा विकास ही। किशनगंज में फैक्ट्री वगैरह बनना चाहिए, रोजगार का साधन होना चाहिए, ताकि रोजगार वहाँ मिले। मतलब जो है जो पार्टी जीतेगा, लोग बाहर में जाके खट रहे हैं इस तरह का, वो बाहर में जाके खट रहे, रिक्शा मिल रहे हैं बाहर में जाके। ये जो है अभी जीएसटी का जो ये समस्या चल रहा है, तो हम लोगों को दुकानदारों को तो बहुत मार कर दिया है इसमें। अगला एमपी कैसा हो? एमपी हमारा जो ये सब चीज को देखने वाला हो, जीएसटी को रोके, जो है महंगाई को दूर करे, अभी जो है भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, भ्रष्टाचारों को दूर करे। ये जो शौचालय आया, शौचालय अभियान में जो है बोल रहा है सरकार जो है 12,000 रुपया सबके अकाउंट में दिया, लेकिन ये भुट्टो का खाली ये किया है, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया घूस लेकर के तब जगह शौचालय का पैसा जो है भ्रष्टाचार जो खाए वो खत्म हो गया, वो अकाउंट में पैसा आया। बोल, शौचालय बना भी नहीं, पैसा निकल गया। उसके अलावा शौचालय डबल डबल हो गया है, तो अफसर शाही भी बढ़ गया है, और इस लेटरिन वाला इसमें जो है 2,000 क्या 5,000 रुपया तक का मतलब उसमें घूस ले लिया गया है। सोचिए, सेंटर सरकार तो वहाँ से बोल रही है कि हम बहुत बड़ा योजना दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं,
तो गैस सिलेंडर में क्या दिया है वो? ये 500 का गैस जो है 1000 में लेना। आप बताइए किशनगंज का अगला सांसद किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल काम करने वाला होना चाहिए। किस तरह का काम? विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, और यहाँ की गरीबी को किस तरह से दूर हो उसका फिक्रमंद होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली की सत्ता को देख करके वोट कीजिएगा या फिर चेहरा मायने रखेगा यहाँ? तो जिस तरह से बीजेपी को हर जगह पटखनी मिल रही है, हाँ। क्योंकि उसने बहुत सारा वादा भी किया था, वादा खिलाफी किया। अच्छा, हाँ। इस वजह से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस को समर्थन करते हैं, और कांग्रेस का ही कोई चेहरा तो साफ है नहीं, तरह का एमपी होना चाहिए। कमन एमपी चाहिए किशनगंज तेने, कमन चाहिए। और बीजेपी को तो भगाई देना चाहिए यहाँ से, उनकी कमी अभी क्षेत्र में खल रही है, महसूस हो रहा है, उनकी कमी महसूस हो रही है, बहुत महसूस हो रहा है। अच्छा, नहीं रहने की वजह से आदमी अधूरा रह गया, उनकी कमी को हम लोग इंशाल्लाह पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, उम्मीद है हम लोगों को भी, और पूरे आवाम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के अलावा किसी का वोट नहीं होना चाहिए। हमारा अपडेट लगातार चुनावी चौपाल देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर सीमांचल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लगातार जो है चुनावी चौपाल का अपडेट आपको